दोस्तों कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक म्यूट कर रखा है। फुल सॉन्ग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वेलकम बैक गाइस, दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जिस वीडियो को आपने अभी अभी मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, ये वीडियो टिकटॉक पर काफी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप कुछ इस तरह का वीडियो बनाते हो तो आपके टिकटॉक पर लाइक एंड व्यूज बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमित और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हमारे YouTube चैनल ESR की टैक में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी TikTok पर कुछ लाइक और फॉलोवर बढ़ा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसके लिए जो आपको बिहाइंड द सीन वीडियो शूट करने में कुछ इस प्रकार से एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर लेना है। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भाई, पर मैं चलकर बताता हूँ कि इस वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको एस्पेक्ट रेशो लेना है वो लेना 9:16 का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको एक कलर बोर्ड सिलेक्ट करना है। इस कलर बोर्ड का साइज़ आपको 12 सेकंड तक कर देना है। फिर आपको अपनी गैलरी में से उस वीडियो को लेना जो आपने बिहाइंड द सीन शूट की थी। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करके इस वीडियो को स्क्रीन की साइज़ में कर लेना है। इसके बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। फिर दोबारा से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करके इस वीडियो को स्क्रीन की साइज़ में कर लेना है। फिर इस फर्स्ट वाली वीडियो को इस सेकंड वाली वीडियो के बराबर कर देना है, और इस बैकग्राउंड को भी इन दोनों वीडियो के बराबर कर लेना है। फिर आपको सेकंड वाली वीडियो में आ जाना और इस वीडियो में ग्रीन वाली जगह को सर्च करना है। फिर वीडियो लेयर पर टैप करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्रोमा की पर क्लिक करना है, जो की कलर है वो ग्रीन सिलेक्ट करना है और रखकर दबा देना। फिर आपको यहाँ से कलर एडजस्ट करना है। फिर आपको एक बार वीडियो प्ले करना है। तो आप देखोगे हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। फिर आपको एरो वाले निशान पर टैप करना है, प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पर क्लिक करके प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना है, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी टिकटॉक पर कुछ लाइक और फॉलोवर बढ़ा सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।